हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे रसीली गुलाब जामुन। पूरा अंदर तक जूस भरा हुआ है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। इस गुलाब जामुन को बनाने में अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आप पूरा वीडियो वॉच करें। पहले हम चाशनी बना लेंगे। एक कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ मैं एक गिलास डाल रही हूँ, ये हाफ के जी के करीब है। और इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी और ये इलायची कुटी हुई, और मिक्स करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा चाशनी पहले का भी बचा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से बना लें। चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है। गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी अच्छी होनी चाहिए, मोटी चाशनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें डाल देना है वो पहले वाले जो बचा हुआ चाशनी है, वो हम यहाँ पे डालेंगे और सभी को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और इसे हम मिक्स कर देंगे। चाशनी हमारा रेडी है, हम इसे ढक के साइड कर देंगे। यहाँ पे डालना है गुलाब जामुन ग्रिट्स, ये स्मॉल पैकेट है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसमें हमें डाल देना है कुटी हुई इलायची, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। अब हमें थोड़ी थोड़ी दूध डाल के इसका हमें डो तैयार करना है। डो को आप ज़्यादा गीला ना करें और ना ही ज़्यादा हार्ड रखें। इसका हमें स्मूथ डो एक तैयार करना है। हम जिस तरह से रोटी का डो लगाते हैं सेम वैसा ही हमें रेडी करना है। इसे थोड़ा सा मसलना भी पड़ता है, आप इस तरह से इसे चिकना कर लें। ये बहुत आसानी से चिकना हो जाएगी, आप इसे अच्छे से स्मूथ कर लें। अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोई तोड़ के इस तरह से हमें लंबे शेप में गुलाब जामुन रेडी करना है। आप चाहे तो राउंड शेप में भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन को रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। अब एक एक करके हमें गुलाब जामुन डालना है। इसे बीच में हमें करछी से नहीं चलाना है, आप कढ़ाई को इस तरह से करके इसे पलट लें, ये आसानी से पलट जाएगी। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसे स्पून से पलटेंगे। इस तरह से हमें गुलाब जामुन को फ्राई कर लेना है। आप फ्राई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत लोग लाइट रखते हैं और मुझे तो डार्क पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करती हूँ। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। चाशनी हमारा गरम ही है, हम उसमें सारे गुलाब जामुन को डाल देंगे। और 10 मिनट्स के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। आइए अब गुलाब जामुन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज से डबल हो गई है और ये देखने में ही बहुत ज़्यादा जूसी लग रही है। तो आइए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये कितना अमेजिंग बना है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना जूस भरा हुआ है। तो आप इस तरह से गुलाब जामुन जरूर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।